अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे प्यार इस YouTube फैमिली का। अल्लाह से उम्मीद है आप ठीक होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम सब भी ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो जी मैं अभी अभी आई हूँ स्कूल से वापस, तो टाइम देर हो जाती है, तो मैंने कहा कि पहले मैं नमाज़ पढ़ूँ और थोड़ी सी तलावत भी कर लूँ, तो फिर रूटीन वाला काम डेली अफ्तारी वगैरह का शुरू हो जाएगी। तो मैंने कहा कि पहले सबसे व्लॉग शुरू करूँ, आपसे हेलो हाय कर लूँ, दुआ सलाम कर लूँ। तो और जी मुझे आज पार्सल भी रिसीव हुए हैं, तो स्टॉक मेरा भी आया है और कुछ मेरी अपनी शॉपिंग का भी एक पार्सल आया है, तो वो मैं आपसे नमाज पढ़ के तो फिर मैं आपसे वो ओपन करूँगी, पार्सल आपको दिखाऊँगी हर चीज़। तो और दूसरा जी आप लोगों से मेरी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि जी आप दुआ करें, बहुत सारी पैसे भी करने चाहिए और रमज़ान शरीफ के महीने में तो ज़्यादा। तो जी मेरे बेटा जो फवाज है उसका आज पेपर है, 9th में है, बोर्ड का पेपर है, पहला पेपर है और है भी सेकंड टाइम। तो बस जाओ मैं अब जाके फटाफट जा, वैसे भी खैर नमाज़ करते हैं लेकिन उसके लिए ख़ास मैंने दुआ मांगनी है और आप लोग भी उसके लिए दुआ करें प्लीज़, सबके बच्चों के लिए करें और उसका नाम लेके करें कि अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाब करे और उनको आला मुकाम तक पहुँचाए और उसका भी पेपर बहुत अच्छा हो, सबका बच्चों का पेपर अच्छा हो। तो मैं अब नमाज़ पढ़ के तलावत करके दोबारा आपसे मिलती हूँ, फिर अपने पार्सल की अनबॉक्सिंग भी करते हैं और आज क्या बनेगा और जो भी लोग होगा डेली का वो मैं आपसे फिर शेयर करती हूँ। अब मैं पकौड़ों का सामान तैयार करने लगी हूँ, पार्सल मैंने नहीं खोला है, मुझे होगी लेट, वो शायद मैं अब रोज़े इफ्तारी के बाद अगर हो सका तो खोलूँगी, नहीं तो कल। ये मैं ना आलुओं का जो आलू गोल गोल काट के आलू के पकौड़े होते हैं ना, ये मैं उसका सामान बना रही हूँ। तो मैंने इसमें बेसन डाल दिया है और जी इसके अंदर अब नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी, नमक, और इसमें डालूंगी जीरा मैंने नहीं निकाला था, अब निकाल रही हूँ जीरा हाथ से मसल के। तो बस यही चीजें डाल के ना, तो इसको मैं जो है ना इसमें पानी डाल के मिक्स कर लेते हैं। पार्सल मैं आपको कोशिश करूंगी कि रोज़ा खोलने के बाद दिखा दूं, अगर ना दिखा सकी तो इंशाल्लाह ताला कल जो मेरा अपना पार्सल है वो भी और जो मेरा स्टॉक वाला आया है ना वो भी इंशाल्लाह ताला कल आपको दिखाऊंगी। अभी मैं आज दो किस्म के सिर्फ पकौड़े बना रही हूं, एक आलुओं वाले और एक जो है ना मिक्स वेजिटेबल के, और इसमें मैं ना अंडे भी डालूँगी जो इसकी मेन चीज़ है, इससे ये बहुत अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं, ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा ये थिन हो, मीडियम सी कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसको करना है। अभी इसमें और नीड है पानी की, थोड़ा सा मैं और डालूंगी, बस इतना सा। अब मैं इसको बना के रख देती हूँ, अब मैं मिक्स वेजिटेबल वाले जो है ना पकौड़े उनका मैं मिक्सर तैयार करती हूँ। अब मैं ये मिक्स वेजिटेबल के पकौड़े बना रही हूँ, ये प्याज है, प्याज इसमें थोड़े ज़्यादा लेने हैं, पकौड़े तो फिर सबको बनाने आते होंगे लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैं आज क्या रेसिपी बना रही हूँ। आज मैंने पकौड़ों का इनके थोड़ा इसको खोल लेना है, मिक्स वेजिटेबल के पकौड़े बना रही हूँ, प्याज मैंने डालनी है, प्याज थोड़े ज़्यादा डालने हैं और इसको उनको खोल लेना है। पकौड़े तो फिर सबको बनाने आते होंगे लेकिन मैं आज की अपना रेसिपी बता रही हूँ कि आज हमने मेन्यू हमारा क्या है। और आलू डाले हैं, आलू मैंने थोड़े डालने हैं, ज़्यादा हो जाएंगे, और जो घर में पड़ा हुआ था ये बंद गोभी भी घर में पड़ी हुई थी, मैंने कहा ये भी डाल लेती हूँ। अब रात को तो खाना बच्चे खाते ही नहीं है, इस वजह से ना वो होता ही नहीं है इसको इस्तेमाल। और ये अब इनके ऊपर मैं पहले नमक मिर्च डाल दूँ, फिर मैं इसके बाद बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। मैं इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और इसमें मिर्च डालेंगे, ये नमक की पता नहीं क्यों गुठलियाँ से बन जाती हैं, आपके भी ऐसे ही है क्या, बर्नी में डब्बे में पड़ा होता है ना तो इसकी ना गुठलियाँ बन जाती हैं, फिर मैं ऐसे इसको तोड़ के डालती हूँ। और इसमें डालूंगी मैं मेथी, खैर बाद में डालूंगी, पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें। इसको मिक्स करके मैं 2 मिनट छोड़ूंगी ताकि ये अपना पानी छोड़ दे प्याज वगैरह, फिर इसमें जितना बेसन डालना होगा ना वो डालेंगे। अभी मैं जब तक मैं ऑयल गर्म करने को रख देती हूँ। ये है जी सूखा धनिया, सूखा धनिया जो होता है ना ये पकौड़ों के लिए लाजमी है,
थोड़ा धनिया डालेंगे इसमें, नमक मिर्च मैंने डाल दी हुई है, ऑयल मैंने रख दिया हुआ है। ये है मेथी, मेथी की भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और ये है थोड़ी सी अजवाइन, अजवाइन भी डालते हैं। ये थोड़ा सा जीरा, और ये पालक, पालक। अब मैं ये डाल के जो है ना इसकी अब मिक्सिंग कर लेती हूँ, बस मिक्सिंग करके तो फिर मैं इसके पकौड़े बनाती हूँ। ये मुझे जो है ना ये मिक्सचर कुछ लग रहा था मुझे पतला, तो मैंने कुछ इसमें बेसन और डाला है। आज भी ब्रैन सो रही है, पता नहीं क्यों उसको नींद आ गई है, वो सो रही है और अंसब जो है ना वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। ये सारा मैं एक इसका बैच निकालती हूँ, क्योंकि दो तरह के पकौड़े हैं तो फिर बच जाएंगे, तो इसलिए ज़ाया भी नहीं करने। वैसे आ जाते हैं रोटी लेने वाले भी ना, सारी वाले बच्चे बाहर, तो उनको भी फिर देनी होती है, और इसलिए उनके पप्पो के घर भी एक प्लेट देनी होती है, वो भी हमें देते हैं। ये हमारा शुरू से ही रिवाज है, एक समझ में अच्छा आज थोड़ी सी कम कर दो, कर दोगे? बस बाकी मैं अब डालती जाती हूँ, तो फिर जब मैं आज निकल जाएगा तो फिर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। अब इसमें डालेंगे बेसन, लेकिन बेसन हमने डालना है ये थोड़ा कि जो ना ज़्यादा ना हमें लगे, सिर्फ ये हो। और एक चुटकी मैं इसमें डालूँगी, ये ज़्यादा ही ना हो जाए, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा है ये ना। प्याज पानी छोड़ देता है, वेजिटेबल वगैरह जो होती है ना, अगर 10 मिनट 15 मिनट पहले वेजिटेबल में नमक मिर्च डाल के रख देना तो फिर वो अपना पानी छोड़ देती है, तो फिर इतना ज़्यादा लिक्विड ही नहीं बनता। बस फिर हमें पानी बाद में देखना पड़ता है, थोड़ा सा डालना पड़ता है। अगर हम इकट्ठा सब कुछ डाल लेते हैं ना तो फिर बहुत ये पतला सा और हो जाता है। थोड़ा सा पानी जाएगा, ज़्यादा नहीं जाना। बस अब इसके ना मिक्स करके मैं इसको अच्छे से, अब मैंने आलूओं के पकौड़े बना लिए हैं, अब मैं इनके पकौड़े बना लेती हूँ। जी मैं इसके बनाती हूँ पकौड़े। थोड़ी सी जगह बना के एक आध पकौड़ा और डाल लेती हूँ। आप लोगों ने भी तैयारी कर ली होगी, आप लोग भी बताया करें ना कि आप लोग क्या बनाते हो, सारी में कमेंट किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप लोगों का दिल छोटा तो नहीं है तो फिर क्यों छोटा करते हैं? मेरे फेसबुक के चैनल को भी आप लोग लाइक करें, फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर किया करें, दिल खोल के मुझे सपोर्ट करें। आप लोग मुझे सपोर्ट कर तो रहे हैं, लेकिन आपने अभी और ज़्यादा करना है, अपनी सिस्टर को सपोर्ट और करना है। अब मैं इसको ये बन जाए फिर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। जैसे ही मैं रोज़ा खोलती हूँ ना, वैसे दिन को भी खांसी आती है, बस पानी अब ठंडा करना पड़ता है, क्या करें। अब पानी, अब गर्मी बहुत आ गई है कि गर्म लगता है पानी, तो थोड़ा ठंडा पानी करना पड़ता है। तो जैसे रोज़ा खोलती हूँ ना मुझे खांसी शुरू हो जाती है। आज को थोड़ा सा मैं लेट हो गई, थोड़ा सा 5 मिनट, वो इसलिए लेट हो गई कि जैसे ही मैं चीज़ें भी रखने लगी थी, फाइनल कर रही थी, आखिरी बैच निकाल रही थी पकौड़ों का, कि फास्ट की कॉल आ गई, तो फिर मैंने शुक्र उठा ली, वरना मैंने अटेंड नहीं करनी थी। मैंने कहा पता नहीं कौन इन टाइम पर कॉल कर रहा है, शुक्र है मैंने देखा तो उसकी थी, तो ना उसकी सर ने करवाई, शुक्रिया जी उन सर का भी। और मैं बहुत टेंशन ले रही थी कि चले पेपर के पता लगे, तो उसने कहा तो है कि मामा अच्छा हुआ है, पता है आप लोगों का बच्चों का कहते तो यही है, ठीक है ठीक है ठीक है, जब रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा। अभी मैंने जो है ना आज सुबह की सैरी के लिए भी कोई सालन नहीं है, तो अब मैंने ना सालन साग है, साग गर्म करना है। आप लोगों को पता होगा गर्म करना क्या होता है, मैंने पका के तो रखा हुआ है, लेकिन उसको सिर्फ जो है ना दाग देना है, अदरक का और उसका हरा धनिया वगैरह डाल के ना गर्म करना है। आज बस देर होगी, अब मैं बाद में करूँगी, वो मैं एक ही दिन सालन पकाती हूँ तो मेरा दो दिन ना चला जाता है,
दो दिन सिर्फ सहरी के टाइम में काम आता है। अच्छा सब क्या कर रहे हो, इसके बाबा बेर लेके आए थे तो देखो इसको इफ्तारी में किसी और चीज़ की नहीं है, इसको सिर्फ बेरों की है। बेर खाने है क्या? नहीं बेटा आप खा पकौड़े खाओ ना, ये वाले पकौड़े आलू की टिक्कियाँ ये भेजिए हैं फुफो ने, आलू की कटनस ये है, ये पकौड़े हैं, ये पकौड़े। तो जी अब मैं अपने कामों से हो गई हूँ फारिग, सारा हफ्ता भी सहरी करके बना के, और मैंने सुबह फिर सहरी का भी सालन बना लिया है। बस अब सिर्फ चाय रहती है, वो देखती हूँ करूँ या ना करूँ। तो अब मैंने कहा कि अब मैंने आप लोगों से कहा है अपने बहन भाई उसे, तो मैं इसको पार्सल को खोलती हूँ। तो पार्सल देखे माशाल्लाह कितना बड़ा है कि मैं ही इसके पीछे छुप गई हूँ, तो ये खोलना ज़रा मुश्किल है। तो मैं इसको खोल के तो फिर दोबारा आपसे मिलती हूँ। ये अब मैं निकालती जा रही हूँ, खोल के मैं आपको दिखाती हूँ कलर कौन कौन से हैं। सर मैं निकाल लूँ फिर आपको खोल के दिखाती हूँ, ठीक है? तो जी मैंने ये बड़ी मुश्किल से अब ओपन करनी है। ये है पीच कलर, नहीं होता पिंक पीच कलर, ये वो है उसका यहाँ से कलर देखे थान। और ये सारे जो है ये तीन थान ब्लैक के हैं मैंने मंगवाई, और ये तीन थान ही हैं ऑफ वाइट के। और जी ये एक है मस्टर्ड कलर, और ये है जी मजेंडा कलर, और ये हो गया मैरून कलर, मैरूनिश रेडिश कलर है मिक्स में। और ये दो थान मैंने रेड के मंगवाए हैं ये दो, और ये एक है पैरेट कलर का फट गया है, ठीक है ये पैरेट है, और दो ये रेड है। ये जी मैंने मंगवाया है प्लेन का स्टॉक, अभी मैंने और भी मंगवाना है, देखिए वो कब तक आता है। क्योंकि जिनसे मैं मंगवाती हूँ कपड़े इनका बड़ा अच्छा होता है, तो मैंने कहा कि आज ही मैं ब्लॉग में मैंने बताया तो पास में कॉल भी लूँ। तो जी अब मैं यहाँ पर इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, तो सुबह इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। लेकिन मेरे बहन भाई मेरे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं, दिल बड़ा करें खोला करें, ठीक है? सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट फेसबुक पे यूट्यूब पे सब पे करें। तो जी सुबह दोबारा मुलाकात करते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये जी हुरैन को देखे, हुरैन ओए हुरैन ये क्या है शीशे में, तो ये क्या टोपी टोपा है, ये टोपा जितनी तुम हो ना उतनी बड़ी, इसलिए इसके पैकेट जो है ना वो खेलने लगे ये बच्ची, इसके ऊपर डाल लिया है। अच्छी लग रही हो, जबरदस्त आइस। मैंने कहा भी आपको हुरैन के ये कस्तब भी दिखा दूँ। ये बच्चों के काम देखो कसम से, बच्चों के दिमाग है हुरैन। अच्छे से भी आके निकल गई, अच्छी लग रही हो, जबरदस्त नाइस।